फ्रेंड, आज हम ये मिनी चांदनी की कटिंग लगाई थी मैंने इसमें, और ये देखिए ये पिछले साल लगाई थी मैंने और ये इतनी बड़ी ग्रो हो गई है। और अब फ्रेंड ये रूट बाउंड हो गई है नीचे से, तो मैंने सोचा कि इस कटिंग को मैंने ये लगाया भी नहीं कहीं में, तो मैंने सोचा कि इस बार अभी सही मार्च का महीना सही चल रहा है तो लगा देती हूँ इसको कटिंग को, ये ग्रो हो जाएगी। और अभी ये देखिए ये इसने अपनी पुरानी पत्तियाँ सारी वो हटा दी हैं, अब नई पत्तियाँ और फिर ये फ्लावरिंग पे आ जाएगा, इसके छोटे छोटे फूल निकलते हैं फ्रेंड इस पर ढेर सारे वाइट कलर के। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सुशीला आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला टेरिस गार्डन में। फ्रेंड आज हम एक प्लांट को कटिंग से ग्रो किया था, चलिए उसको रिपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले हम उसके लिए सॉइल मीडिया बना। तो फ्रेंड ये देखिए ये मेरा एक पॉट है, इस पॉट में मैं जो है इस कटिंग को लगाऊँगी, इसको ग्रो करूँगी। ये देखिए ये इसमें, तो ये देखिए फ्रेंड इसके लिए मैंने ये गार्डन सॉइल ले रखी है, और ये गार्डन सॉइल मैंने इधर ही से ले रखी है। ये देखिए इधर मैंने इसमें ये जो है दरवाजे का टुकड़ा है, ये दरवाज़ा है उसी में मैंने मिट्टी वगैरह रख के, देखिए इसी से जो है मैंने गार्डन ये ले रखा है। और ये देखिए ये मैंने फर्टिलाइज़र ले रखा है इसमें मिलाने के लिए, ये जो है ये गोबर की खाद है। और ये देखिए भीग गई थी तो गीली हो रखी है पानी से। और ये जो है चाय पत्ती की खाद है, एसिडिक बढ़िया होती है फ्लावरिंग प्लांट के लिए। और ये देखिए नीम खली है, ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में है, ये देखिए ये नीम खली है, एक्सएम सॉल्ट है। और ये प्याज के छिकल की खाद है, और ये किचन कंपोस्ट है थोड़ा, और थोड़ा सा ये जो है फंगीसाइड है फंगस के लिए। तो ये सब मिलाएंगे फ्रेंड हम इसमें, ये सब हमने इसमें मिला दिया है। और अब हम फ्रेंड देखिए क्या करेंगे इसको, इसमें से कैसे करके निकालेंगे फ्रेंड। ये देखिए ये तो वो हो रखा है, इस कैसे निकलेगा, चलिए इसको निकालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड ये तो ऐसे करके निकलेगा नहीं, इसलिए इसको कट करके निकालना पड़ेगा हमको, ये काटना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको काटते हैं, तो इसको यहाँ से काटते हैं, यहाँ से थोड़ी सा मुस्कर कीड़ा लगा रखा है। इस तरह से फ्रेंड हम इसको कट करके निकालेंगे इसमें से, देखिए ये देखिए फ्रेंड हमने इसमें से इसको निकाल दिया है, इसकी मिट्टी ये देखिए कैसे रूट बाउंड सा हो रखा है। ये देखिए इसके रूट इसमें जो है सड़ सी गई थी, देखिए कैसे वो हो रखी है। उसके अंदर ये देखिए इसकी जड़ें सांस नहीं ले पा रही थी, देखिए मैंने उसमें लगा दिया था छोटे से डिब्बे में प्लास्टिक, और उसमें बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा था ये, और ये इसमें किसी चीज़ का प्लांट भी उग रहा है। तो ये देखिए ये इसकी रूट्स हैं ये, और ये इसकी पुरानी सॉइल है, तो ये सॉइल इसी में मिला देते हैं। ये देखिए इसी सॉइल में मिला देते हैं, और ये देखिए इसमें कितने होल हैं, तो इनको कवर करने के लिए थोड़े से मैं ये जो है मूँगफली के छिप्पल से कवर कर दिया मैंने इनके होल को, ये ऐसे करके ये। और अब फ्रेंड हम इसमें जो है अपना सॉइल भरेंगे ये, और उसके बाद जो है इसमें जो है इसको लगाएंगे।
गार्डन में मिनी चांदनी का प्लांट लाई थी पिछले साल, तो वो जो है ख़राब हो गया था। पिछले साल लाई थी, तो उसी की मैंने कटिंग लगाई थी। तो दो तीन कटिंग लगाई थी, ग्रो हो गई थी, लेकिन और कटिंग ख़राब हो गई बरसात के समय, और ये इसमें रह गई है। तो मैंने जो है मैं इसमें लगा दे रही हूँ, देखिएगा कैसे ग्रो करता है ये। देखिए फ्रेंड, ये हमने लगा दिया है और ये देखिए लग गया है इसमें। और इसमें हम थोड़ा वाटरिंग कर देंगे, उसके बाद जो है इसको जो है सेमी शेड में रख देंगे, और जब इस ये सेट हो जाएगा तब हम इसको फुल सनलाइट में रख देंगे। क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, जितने फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको जो है 6-7 घंटे की धूप मिलनी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इसको हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर कि इसको जो है सनलाइट मिले, ताकि ये जो है अच्छे से ग्रो करे। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, और गार्डनिंग करते रहे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।